तो चलिए अब खबरों का रुख करेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर मनरेगा कर्मचारियों की दांडी यात्रा दंतेवाड़ा से रायपुर के लिए रवाना हुई, जहां सातवें दिन दांडी यात्रा 200 किलोमीटर की दूरी तय कर फरसगांव नगर पहुंची। फरसगांव और माखड़ी मनरेगा कर्मचारी संघ, सरपंच संघ और भाजपा के द्वारा रैली का स्वागत कर समर्थन दिया गया। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर के मनरेगा कर्मियों ने दंतेवाड़ा से रायपुर तक करीब 390 किलोमीटर की इस पद यात्रा का आगाज शक्तिपीठ माई दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर यात्रा की शुरुआत की गई। सर, 10 दिवस पे कांग्रेस सरकार ने नियमितीकरण का वादा किया था, आज 3.5 साल बीत जाने के पश्चात भी हमारी मांगे जस की तस है, जिसकी वजह से 4 अप्रैल से हम लोगों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ किया था। 9 दिवस बीत जाने के पश्चात भी हमारी मांगों पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह से महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए उद्देश्यों को हम परिपूर्ति करने के लिए दंतेवाड़ा से लेकर रायपुर तक का 390 किलोमीटर का डांडी मार्च निकाल रहे हैं। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था, उसी प्रकार से हम अनियमित कानून को तोड़ने के लिए यह डांडी मार्च निकाल रहे हैं।